18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार सबके मालिक कुल के मालिक कबीर परमेश्वर जी, ये वो मालिक हैं, वो दाता हैं जो हमारे पाप नाश करते हैं, हमारे को काल से छुटवा करके सतलोक में स्थाई स्थान देते हैं। ये कहते हैं अमर करूं सतलोक पठाऊं और ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम। पुणात्माओं, ये जो वचन दास ने परमात्मा के बोले हुए आपको सुनाए, ये 600 वर्ष पहले परमात्मा ने कहा था कि मेरा ऊपर दास गरीब अधर बसूं अवगत सत कबीर, मैं अविगत जिसकी गति से जिसकी स्थिति से कोई परिचित नहीं है, वो मैं सत कबीर अविनाशी कबीर ऊपर रहता हूँ अधर सतलोक में, और वही अब हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1-2-3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96-96 के मंत्र 16-20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8-9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, और भी अनेक ढेर सारे श्लोक हैं। इन सब का निष्कर्ष ये है कि वो परमात्मा कबीर देव है जो सबका उत्पादक है, सर्व उत्पादक प्रभु, ये सब पाप नाश करने वाला, पापों का हरण करने वाला, ये सतलोक में रहता है ऊपर रित धामा है, तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है, वहाँ से गति करके आता है, और जब तीन प्रकार के शरीर धारण करके सबकी देखभाल करता है सतलोक में, ऊपर के लोकों में स्थाई सत रूप में रहते हैं, वहाँ परमात्मा मनुष्य दृश्य है। जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा और हमारे पवित्र सदग्रंथ जो जिनको हम सत्य ग्रंथ मानते हैं, सदग्रंथ सच्चे ग्रंथ पवित्र वेद पवित्र गीता, तो इनमें भी वही प्रमाण है कि वो परमात्मा कैसी लीला करता है, कहाँ रहता है, उसका आकार कैसा है। राजा के समान परमात्मा वहाँ देखने जोगा है सतलोक में, सिर पे सफेद मुकुट है, हीरे पन्ने जड़े हैं परमात्मा के, राजा के समान ओवरऑल कंट्रोलर की तरह बैठा है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा उनका रूप है, ऐसा उनका नूर है, तेज है और मनुष्य दृश्य है। उन महापुरुषों ने बताया है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले परमात्मा, उन्होंने कहा कि हमारे ही हुनियार है हमारा सृजनहार। ये सभी सदग्रंथ जो प्रमाण देते हैं कि वो परमात्मा वहाँ से चलकर आता है और यहाँ अच्छी आत्माओं को मिलता है। पुण्यात्माओं, हमें अभी तक भगवान का पता ही नहीं था कौन है, इस काल भगवान ने हमारी रोल मार रखी थी, हम मूर्ख बना रखे थे और ऐसे ही
भगवान से कोसों दूर कर दिए, शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगा दिए थे। अब परमेश्वर ने आके अपनी जानकारी आप ही दी है, क्योंकि ये विधान है उस मालिक का, उसको कोई और विकल्प यहाँ दिखाई नहीं देता। जितने भी ऋषि महर्षि संत या कोई सतगुरु आए, वो नकली काल ने अपने अनुसार ही उनको ढाल लिया, वो नहीं चल सके परमात्मा कबीर परमेश्वर के पथ पर, फिर वो स्वयं आते हैं। जब मालिक आते हैं फिर काल की दाल नहीं गलती, उसका दाव नहीं लगता, वो उनका बिगाड़ कुछ नहीं सकता। लेकिन वो परमात्मा जब आते हैं अपने विषय की अपनी जानकारी स्वयं ही देकर जाते हैं और उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो विशेष पुण्य आत्मा होती हैं, दृढ़ भक्त होते हैं, जो परमात्मा के इस ज्ञान को सहन कर सकते हैं। उनमें से कौन कौन है? वो परमेश्वर की प्यारी आत्माएं, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ के अंदर मध्य प्रदेश में एक शहर था और वो बहुत बड़े धनी व्यक्ति थे, वैश्य कुल में जन्म था, बहुत पैसे वाले थे, पैसे का कोई वार पार नहीं था। धर्मदास जी के जो पूर्वज थे बड़े सेठ थे, और जब किसी उस नवाब को कोई भी जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती, सूखा पड़ जाता, फ्लड आ जाती, महामारी आ जाती, तो नवाब भी उस सेठ से वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे धर्मदास जी के पिताजी से। इतने धनी होकर के भी फिर परमात्मा की चाह, तो पुण्यात्मा में कोई कमी नहीं होती। यहाँ तो थोड़ा सा सुख हो जाए आदमी धरती तोल दे है, छोटी सी पोस्ट पा जा, कोई किसी को कुछ समझता ही नहीं, ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देता काल हमारी। तो ऐसी पुण्यात्मा परमात्मा की खोज में लगी हुई होती हैं, उनको परमात्मा मिलते हैं। आदरणीय मलुकदास साहिब जी, ये अरोड़ा जाति से थे, खत्री और किसान थे, इनको परमात्मा मिले। आदरणीय दादू साहिब जी, ये तेली का काम करा करते थे। आदरणीय नानक साहिब जी, ये पश्चिमी पाकिस्तान में, पहले ये सारा भारत ही था, कालूराम मेहता खत्री अरोड़ा के घर हिंदू परिवार में इनका जन्म हुआ, और तलवंडी शहर में इनके पिताजी पटवारी होते थे। नानक साहिब जी फिर नौकरी करने लगे सुल्तानपुर शहर में, नवाब के यहाँ मोदी खाने में। इनके बैढ़ोई की के मार्फत वो भी वही नौकरी करते थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, गांव छुड़ानी जिला दद्दर हरियाणा के अंदर, जिसके उपलक्ष्य में ये शुभ समागम आज संपूर्ण होने जा रहा है, ये उसी उपलक्ष्य में किया गया था। पुण्यात्माओं, वो दिन जिस दिन परमात्मा यहाँ पृथ्वी पर आकर के अपना एक तत्व ज्ञान, अनमोल ज्ञान का भंडारा खोल कर चले गए, उलेड़ कर चले गए, वो दिन एक विशेष स्मरणीय हमारे लिए होता है। और विशेषकर आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो ज्ञान वो उन्होंने दिया, और उन्होंने परमात्मा ने जानबूझकर ये यथार्थ ज्ञान अपरगट करवाया। वैसे तो वो किसी के माध्यम से भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छी आत्माओं को खोजते हैं। और जैसे वो नानक साहिब जी को भी ज्ञान दिया,
लेकिन जो गरीबदास जी ने विस्तार के साथ ज्ञान लिखा है, ये उस समय उनको इतना लिखने का आदेश नहीं था, इसलिए नहीं था कि आने वाले समय में कहीं सच्चाई वहाँ तक ना पहुँच पावे, बीच बीच में कोई ना कोई उन्मत्त त्रुटि पैदा कर देता है, वाणियों को निकाल देते हैं। तो ऐसे करके गरीबदास साहिब जी को जो मिले, उनके माध्यम से परमात्मा ने अपनी महिमा की वाणी फिर से प्रकट करवाई, क्योंकि कबीर सागर को लगभग 600 वर्ष हो गए और उसमें कबीर पंथ में घुसे हुए नकली काल के दूतों ने इसमें अपनी सोच के अनुसार काल प्रेरणा से बहुत सी त्रुटि कर दी थी। उसकी पूर्ति अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी के माध्यम से सन 1727 में मिले परमात्मा, वो देकर चले गए। सन 1730 में फिर 3 वर्ष के बाद एक गोपाल दास नामक एक साधु थे, भगत दादू पंत से वो संबंध रखते थे, उनके द्वारा फिर वो लिखी गई थी जो आज हम आपको सुनाते हैं, और करोड़ों जीवों का, अरबों जीवों का उद्धार इस वाणी के माध्यम से परमात्मा को पहचान कर होगा। तो पुण्यात्माओं, ये जो सत्संग चल रहा है उसी उपलक्ष्य में है। इस दिन कौन से दिन, फाल्गुन सुदी द्वादशी और संवत 1784 को परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे और गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा में खेतों के अंदर जंगल में आदरणीय गरीबदास साहिब जी जहां गऊ चरा रहे थे, गौवे अपनी ही गऊओं के पाली थे, पहले गौ पालन ज्यादा किया करते थे, इनके जमीन बहुत थी, 1400 एकड़ जमीन थी गरीबदास जी महाराज के, और गौ पालन ज्यादा किया करते थे, वर्षा कम होती थी, सभी पूरी फसल जमीन को बीज नहीं सकते थे, इसलिए चरागाह रखा जाता था। तो उनकी चरागाह में गांव के अन्य भी पाली अपने गऊओं को ले जाया करते थे। दिन के 10 बजे सभी 10-12 पाली जंडी के नीचे बैठ के, एक पेड़ के नीचे बैठ के आहार कर रहे थे। परमात्मा सतलोक से चलकर आए, थोड़ी सी दूरी पर पृथ्वी पर उतरे, फिर वहाँ से ऐसे यात्री की तरह आ रहे थे, क्योंकि गांव कबलाना से गांव छुड़ानी की तरफ रास्ता जाता था। उसी रास्ते के ऊपर वो जंडी का पेड़ था जहाँ पर वो ग्वाले बैठकर खाना खा रहे थे। परमेश्वर वहाँ पहुँचे जिंदा महात्मा के रूप में। सभी पालियों ने कहा कि महाराज भोजन पालो। परमात्मा ने कहा, भाई भोजन तो मैं अपने गांव से खा के आया हूँ। कौन सा गांव है बाबा जी आपका, कि सतलोक कितनी दूर है यहाँ से, ग्वालों ने पूछा। परमात्मा ने उत्तर दिया, 16 शंख कोस की दूरी पर है। तो उन्होंने कहा भी ठीक है, होगा 16 कोस, वो शंख उनका समझ में आई नहीं, ठीक है बाबा जी, दूध तो पीना ही पड़ेगा। परमात्मा ने कहा, दूध पिलाओगे तो कुंवारी गाय का दूध पीता हूँ, पिला दो। अन्य पाली कहने लगे, बाबा जी तेरी दूध पीने की नीत नहीं, मजाक करते हो, कुंवारी गाय कभी दूध देती है बछिया। गरीबदास जी खड़े हुए, एक बछिया को लेकर आ गए और कहा, ले देखो महाराज, इसका बच्चा नहीं, कैसे दूध देवेगी। परमात्मा ने कहा, तुम्हारे पास कोई खाली पात्र हो, छोटा मटका, वो लाओ। वो मटका लाया गया। परमात्मा ने कहा, इसके सतन के नीचे रख लो जहाँ दूध निकलेगा। कबीर साहब ने बछिया के कमर पर थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए और दूध का वो पात्र भर गया। फिर आधा दूध परमेश्वर ने पिया, आधा बच्चे गरीबदास ने पिया।
अपने आत्माओं इस सच्चाई का आज भी प्रमाण है गांव छुड़ानी में कबलाड़ा गांव की सीमा पर। अब तो सड़क बन गई है वहां से, पहले कच्चा रास्ता था और वहां पर वो यादगार बना रखी है उन्हीं के खेत में जहां परमात्मा ने ये लीला की थी। वहां से गरीबदास जी को लेकर सचखंड गए, सारी सतीथि से परिचित कराया, अपनी सतीथि अपने सामर्थ्य से परिचित कराया, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीथि दिखाई, इनका ये कितने प्रभु हैं, कितने स्वामी हैं, इनका पिता कौन है, काल है, इनकी माता कौन है, दुर्गा है, ये सारी जानकारी परमात्मा ने दी। उधर से बच्चे गरीबदास जी को 2-3 घंटों के बाद अन्य पालियों ने संभाला, देखा कि बाबा जी के पास बेटा बातें कर रहा था। दूसरे पाली उठकर चले गए थे कि हम नहीं पियेंगे इस पाप के दूध को, ना जाने किस जाति का है तू, क्या जंतर मंत्र करके दूध निकाल दिया। गरीबदास जी ने पी लिया था, वो चले गए थे। फिर उन्होंने कुछ देर बाद देखा कि कहाँ है वो लड़का, खोजो। देखा जाके लड़का मृत पड़ा है। गांव में खबर गई, हाहाकार मच गई। लड़के को गांव में लाए, खेतों से गांव में लाए, फिर काफ़ी देर वहाँ लोग इकट्ठे हुए। शाम होगी, इस प्रकार 8-2 घंटे लग गए। चिता पर ले जाकर लड़के को अंतिम संस्कार के लिए रख दिया। उधर से परमात्मा ने सारा कुछ दिखा उस प्यारी आत्मा को, उसके अंतःकरण में भर दिया, अपना ज्ञान फीड कर दिया, पूरा तत्व ज्ञान सूक्ष्म वेद, और उस प्यारी आत्मा को वापस भेज दिया कि जा तेरा शरीर नष्ट करने वाले हैं। उसी समय परमात्मा की कृपा से गरीबदास साहेब जी शरीर में प्रवेश हुए और एकदम उठ गए, एकदम जीवित हो गए, और उठते ही ये वाणी बोलने लग गए, जो आज वो खजाना हमें प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के गांव वालों ने सोचा कि ये मेंटल हो गया लड़का, पता नहीं क्या की क्या बोल रहा है, रुकता ही नहीं। ऐसे 3 वर्ष बीत गए, जाड़े झपटे लवाए, वैद्यों को दिखाया कि मेंटल हो गया, सारा दिन बोलता रहता है, पता नहीं क्या बोलता है। कोई कहे इसने दूध जादू जंतर का पी लिया, कोई कहे बाबा ने से लिया, वो सेवड़ा था। 3 वर्ष के बाद एक गोपाल दास नाम के वो दादूपंथी संत आए किसी के घर में। वहाँ फिर उनको उनसे प्रार्थना की गई कि एक ऐसा ऐसा लड़की का लड़का है, क्योंकि गरीबदास महाराज के वहाँ मामा थे और इनके पिताजी घर जमाई रहते थे। गरीबदास जी का जन्म भी छुड़ानी में ही हुआ था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का मूल गांव करौथा है, जहाँ अपना आश्रम है, और वहाँ से वो उनके पिताजी घर जमाई बने हुए थे, वहीं रहा करते थे, क्योंकि इनके गरीबदास जी के कोई नाना मामा नहीं था, नाना जी थे। तो उस गोपाल दास से कहा गया कि संतों की विद्या को संत ही काट सकते हैं, महात्मा जी कुछ दया करो, एक लड़की का लड़का पागल हो गया, एक बाबा ने दूध पिला दिया कुंवारी गाय का निकाल कर जादू जंत्र से, और प्रत्येक संत को अपनी विद्या का मान होता है, अभिमान होता है, गर्व होता है। गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ उसको, अब कर देता हूँ ठीक। और ये तो ऐसा ही है बस, ये साधु संत ऋषि हल्दी की गांठ से पंसारी बन जाते हैं, छोटा सा कोई एक सिद्धि हो जाए उसी को लोगों में दिखा दिखा करके ये महर्षि और परम संत मंडलेश्वर पाक जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं। गरीबदास उस व्यक्ति ने जाकर कहा गरीबदास जी के नाना जी से कि ऐसे एक संत आए हैं, वो कहते हैं हम इस लड़की के लड़के को स्वस्थ कर देंगे। 5-7 व्यक्ति बड़े बड़े गरीबदास बालक को लेकर गए 13 वर्ष के को। गोपाल दास ने कहा बेटा तुझे कौन मिला था तेरे को बर्बाद कर दिया। गरीबदास जी ने कहा कि मुझे बर्बाद नहीं किया, मुझे आबाद कर दिया। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, दास गरीब उदार दिया मुझे सतगुरु मिले कबीर। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रह थीर, थिर माने वहाँ रहते हैं सुन मंडल में, सथाई रूप में,
और अतिथि रूप में यहाँ आते और जाते रहते हैं। अलल पंख अनुराग है, जैसे एक अनल पक्षी होता था अनल, अब तो मिथ्या हो गया, समाप्त तो होगी उसकी वैरायटी। एक अनल पक्षी होता था जो वायु में ही रहता है अलल, और ऊपर से अंडे उत्पन्न कर देता है जहाँ केले के वन होते हैं। केले का वन सैकड़ों किलोमीटर में होते हैं, जैसे किसी भी एक, तो वहाँ इन हाथी वगैरह रहते हैं केले के वनों को में, तो ऊपर से अंडे उत्पन्न कर देते हैं भगवान वाला है, वह पक्षी छोड़ देते हैं अंडों को, और वो अंडे अच्छे बड़े होते हैं, आते आते हवा की गर्मी से घर्षण से वो पक जाते हैं, और नीचे आकर जब वो गिरते हैं केले ऐसे फंसे रहते हैं, केले नो इतने बण जिसको बोलते हैं वो तो ऐसा ही होता है, नो फंसे रहते हैं, उनके ऊपर आके अंडा गिरता है, अच्छा भारी अंडा होता है लगभग 10 किलो का, और ऊपर से एकदम आके वो पहले उन केले के पेड़ों के झुरमटों में फंसे रहते हैं आपस में बुरी तरह, उन पर आकर गिरता है, गिरकर उनको तोड़ता नीचे को जाता है, और जमीन पर टकरा के वो फूट जाता है अंडा, उससे बच्चा निकलता है, वो अलल पक्षी होता है। फिर उधर से उस अलल पक्षी की माँ ने अपने बच्चे की तरफ एक विशेष कसक रहती है, मेरा बच्चा नीचे गया, और नीचे से उस बच्चे को विशेष कसक होती है अपने माता पिता के पास जाने की। तो कहते हैं हमारे प्रति हमारे भगवान का ऐसा अनुराग है, ऐसी हमारे प्रति उसकी लगन है, मोह है हमारे अंदर। तो फिर क्या बताते हैं, अलल पंख अनुराग है वो सुन मंडल रथीर, सुन मंडल यानी सबसे ऊपर खाली स्थान है, वहाँ कुछ भी नहीं, केवल वो लोक है, सुन मंडल बोलते हैं उसको, जो अन्य कोई और वस्तु ना हो, उस सुन मंडल में सतलोक में रहता है थीर यानी एक स्थान पर, और दास गरीब उधारिया मोय सतगुरु मिले कबीर, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने, कि परमात्मा कबीर जी मुझे ऐसे नगर में ले गए, ऐसे लोक में स्वयं यहाँ आ करके मुझे आन आन मन ले जा, यहाँ से आकर ले गए, और वहाँ जाकर हम कति सूते चादर तान, अच्छा चादर ताने के सो गया, कोई चिंता ही ना रही, इतना ऐसी एक देसी भाषा है हमारे यहाँ, चादर ताने के सोना निश्चिंत हो जाना है, कोई चिंता ना रहनी। तो कहते हैं हमने अपना मूल ठिकाना पता लग गया, हम तो चादर ताने के सो गए, या भक्ति बता दी परमात्मा ने, सही मंत्र दे दिए, और हम तो चादर ताने के सो गए, मारा इस लोक से कोई लिंक रहा नहीं, जब तक दाता ने यहाँ रखना है रखेंगे, और इस मंत्र का जाप हम करते रहेंगे, सतलोक चले जाएंगे, हम निश्चिंत हुए। फिर क्या बताते हैं, गोपाल दास जी दादू पंथी थे, और दादू साहिब को भी परमात्मा ऐसे ही मिले थे जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, तो उनको कहाँ मिले थे, ऐसे बनी में, गांव से बाहर थोड़ा छोटा जंगल होता था, उसको बनी बोलते थे, छोटे बन को, बच्चा खेल रहा था, 7 वर्ष के थे दादू साहिब, परमात्मा आए, उनसे बैठकर चर्चा की, वही उसी जिंदा महात्मा के रूप में, तो परमात्मा से चर्चा हुई, वो आए उसी उद्देश्य से थे, परमेश्वर अपना करमंडल लिए हुए थे, और बच्चे से बात की तो बहुत प्रभावित हुआ, कहा महाराज मुझे नाम दे दो, तो परमात्मा ने कहा भी कुछ ठीक है, नाम ले बेटा, तुझे नाम दूंगा, एक पान का पत्ता था वहाँ, पान का पेड़ था, पान का पत्ता का हिला तोड़ के, तो उस पान के पत्ते को परमात्मा ने थोड़ा सा खुद चबाया, और फिर दूसरे पान के पत्ते पर वो पान खुद थोड़ा सा चबाया हुआ पत्ता,
और कुछ वो अपना अमृत जल साथ ले रहे थे वो मिलाया और कहा इसको पिएगा ये दिखाने के लिए कि इसमें श्रद्धा है या नहीं, कोई गलानी है या नहीं। तो उसने कहा भगवान आपका झूठा और आपका ये अमृत हमारे भाग में कहाँ है बाबा, मुझे दे दो। ऐसे जल्दी से छीन कर और ऐसे पी गया उस जल को। अब परमात्मा ने कहा बेटा तू अधिकारी हंस है, पूरा ज्ञान समझाया। और दादू साहेब कहने लगे भगवान आप हमें ले चलो यहाँ से। अब पुण्यात्मा ये पिछले संस्कार होते हैं, ये अच्छी आत्मा थी तभी तो भगवान इनको मिले, हमारे जैसों को ना मिले आकर के किसी को भी। और वो दृढ़ भक्त थे, सत्खंड में ले गए उनकी आत्मा को। सॉरी उसी तरह जैसे सब जिन महापुरुषों का दास बार बार प्रमाण देता है उन सबको ऐसे ही मिले, एक बाबा जिंदा के रूप में आकर के। अब वो लड़का बेहोश हो गया, देर तक घर से नहीं आया तो गांव के नगरों उसमें खोज हुई, पता चला कि लड़का तो वहाँ बेहोश पड़ा है। उठा लाए, सब वैद्यों को दिखाया, कोई बीमारी पावे नहीं और होश में आवे नहीं, शरीर में श्वास चल रहे थे, ये भी नहीं समझा कि मर गया। तीन दिन तक जैसे नानक साहिब जी को बेई नदी से अंतर ध्यान करके परमात्मा लेकर गए थे सचखंड में कबीर परमात्मा, ऐसे ही दादू साहिब जी को तीन दिन तीन रात तक ऐसे ही रखा। फिर वापस तीसरे दिन बहुत दुखी हो गए गाँव के नगर के उनके माता पिता चारों तरफ बैठे बच्चे गए। तीसरे दिन सारे अपना सामर्थ्य से परिचित करा के छोड़ दिया। और जब वो जीवित हो गया होश में आया तो बोले बाबा कहाँ गया, बाबा कहाँ गया, कौन था बेटा, बूढ़ा बाबा था, बूढ़ा बाबा। फिर कुछ दिनों के बाद वो बहुत बैराग हो गया उस लोक को देखने के बाद, यह मन नहीं लगा, भटकता रहा बाबा दर्शन दे दे, बाबा दर्शन दे दे, बाबा कहाँ गए। घर वालों ने सोचा यो मेंटल हो गया, कोई फटकार मार दी किसी साधु संत ने इसके। एक दिन इसी प्रकार दो तीन वर्ष बीत गए, 10-12 वर्ष के जब हो गए, 10 वर्ष के एक दिन सांभर नदी पर पहुंच गए अहमदाबाद में। वहाँ भटक रहे थे जंगल में, ढूंढ रहे थे और कहा महाराज या तो आज दर्शन दे दे अपने दास को, ना आज टक्कर आज मरूंगा। तो जो ही दरिया में टक्कर मार, एक पत्थर के टक्कर मार कर नीचे गिरने की चेष्टा की, वहीं आकर के परमात्मा खड़े हो गए और हाथों में ले लिया। तब अपने से परिचित करा के भाई मैं काशी में भी रहा था बेटा 120 वर्ष तक, लेकिन मुझे पहचाना नहीं मेरे बच्चों ने। और बेटा तो मेरी महिमा का गुणगान करना। अब क्या बताते हैं, गरीब दास जी ने कहा उस गोपाल दास को, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माए कबीर हुआ। हम यानी हम सभी इंक्लूडिंग गरीब दास जी, हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, वो जात जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ। अपने आत्मा ये वो शुभ दिन है जिससे सब याद ताजा हो जाती हैं। जिस प्रकार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा मिले, ऐसे ही इन सब महापुरुषों को मिले। और इन सभी ने एक ही कहा, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। इनकी किसी ने सुनी नहीं, इन महापुरुषों को तो रिजेक्ट कर दिया उन संस्कृत के ज्ञाता ऋषि महर्षि ब्राह्मणों ने कि ये तो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, इन्हें बोलना भी ना आता, उच्चारण भी ठीक नहीं करना आता, इनकी वाणी अशुद्ध है, ये यूजफुल नहीं है, ये सदग्रंथों को नहीं समझते,
इसलिए इनका ज्ञान गलत है। अब वो सदग्रंथ जिनको वो शिक्षा, ये संस्कृत के ज्ञाता यूं कहा करते, वेद और गीता पुराण ये सच्चे शास्त्र हैं, इनमें जो लिखा है परमात्मा का विधान लिखा है, और हम परमात्मा को जैसा भी है इन वेदों से, गीता से, पुराणों से ही पढ़कर सुना रहे हैं। और वो बोला करते नरी झूठ, उनको कुछ पता ही नहीं था, सब सदग्रंथों के विपरीत लोक वेद बना के हम सबको सुना डाला। और पुण्यात्माओं, जो सदग्रंथ हम सच्चा माना करते जिन सदग्रंथों को, और उन्हीं में आज उस परमेश्वर की महिमा लिखी है। किसकी? कबीर परमेश्वर की, कबीर भगवान की, काशी वाले कबीर की। और वही संत बताते हैं कि ये वो कबीर है, ये वही सर्वशक्तिमान है, सारी सृष्टि का रचनहार है, और जो उस परमात्मा ने लीला की हुई है उन्हीं का समर्थन वेद कर रहा है। अब दादू साहेब को परमात्मा मिले, फिर उन्होंने परमात्मा की महिमा की वाणी कही है। अब गरीबदास जी ने, अब उस जो गोपालदास बैठा था महात्मा, जब उसने ये सारी कहानी सुनी कि हमने सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जो मुझे मिला वो पूर्ण परमात्मा है, जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर हुआ, तब परमात्मा ने कहा कि तेरे दादू साहिब को भी परमात्मा कबीर मिले थे। अब गोपाल दास कहने लगा जी उनको तो बूढ़ा बाबा मिला था, बाबा मिला था। अब कहते हैं दादू को सतगुरु मिले, देई पान की पी कही, बूढ़ा बाबा जिसे कहें ये दादू की नई सीख। कि तुम जिसको बूढ़ा बाबा कह के फाइनल कर दिया, केवल इतनी ही शिक्षा, यही ज्ञान दादू का नहीं था। दादू जी ने तो पहले वो पहचाने नहीं, देख तो आए थे भगवान हैं, लेकिन जब दोबारा सांभर नदी के ऊपर उनको मिले तब बताया कि आई एम कबीर, वो कबीर जो काशी में रहा वो कबीर हूँ मैं। तो क्या कहा दादू? फिर गोपाल दास जी कहने लगे भगवान ये वाणी लिखवा दो जो आप बोल रहे हो, तो गॉड गिवन है। तब तीसरे दिन फिर गरीबदास जी ने कोई बात नहीं करी, उसने उठ कर चल पड़े। फिर तीसरे दिन गरीबदास जी ने बात की, जब वो पीछे पड़ा रहा, कहा कि गोपाल दास जी सारी वाणी लिखे तो मैं लिखवाऊं, कहीं तो बीच में छोड़ कर जावे फिर नहीं लिखवाऊं। अगर उसने कहा जी मैं तो घर से फरी होकर आ रहा हूँ, बालक बच्चों की का विवाह कर दिया और मैं संन्यास ले चुका हूँ, कोई काम नहीं। गोपाल दास जी ने लिखी, गरीबदास जी ने बोली, वो वाणी हमारे पास उपलब्ध है, ये जो गरीबदास जी के ग्रंथ रूप में हम पढ़ते हैं जिनका ये पाठ होता है ऐसे ये। और फिर इसी प्रकार दादू साहेब जी का भी ग्रंथ है। अब ये दादू पंथी क्या मानते हैं कि दादू जी को तो परमात्मा मिले थे, कबीर जी नहीं मिले थे। एक कह रहा था जी मैं दादू पंथ में था, यहाँ आके उसने नाम लिया कि मैं श्री दादू जी के पंथ में था, और बहुत बड़ा ग्रंथ है दादू जी का, उसमें कबीर साहब की बहुत गजब की महिमा गा रखी उन्होंने, पूर्ण परमात्मा बता रखा है, यह समझ में मेरे आई नहीं। कोई भी दादू पंथ में इस बात कंसेप्ट को क्लियर करने या नहीं मिला मना कि अभी कबीर साहब अगर उनके कोई लिंक नहीं था उनका, तो ये वाणी कहाँ से बोल दी दादू जी ने। मैं बोला भाई इस समस्या का समाधान इस दास के बिना धरती पर नहीं, तो उन्हें किससे नहीं पा। फिर उसको समझाया बताया, वो तो गद गद हो गया जी, सचमुच मैं हैरान था। सब नौके हैं कि कबीर साहब दादू जी को नहीं मिले, उनके गुरु नहीं थे, वो तो बूढ़ा बाबा मिला था। अब गरीबदास जी कहते हैं दादू को सतगुरु मिले, वो कबीर परमात्मा, और देई पान की पीक
पान खाया नहीं करते वो महाराज परमात्मा, वो तो एक उसका ये देखना था कि इसमें कितनी लगन परमात्मा के प्रति, इसमें कोई नफरत वगैरह तो नहीं है कि कोई केवरा किस जाति का है, छुआछात तो नहीं है, लेकिन वो तो निर्मल आत्मा थी पहले से ही पिछले संस्कारों से, तो पान की पीक दी थी उसने, वो पान नहीं जैसे आम पान खाते, पान का पत्ता, पान का खाना पत्ता अलग चीज है और पान में वो अड़ंगा मिला के उस पत्ते में खाना वो व्यर्थ है, वो गलत है। तो कहते हैं दादू को सतगुरु मिले देई पान की पीक, और बूढ़ा बाबा जिसे कहो वो दादू की नहीं सीख, बूढ़ा बाबा तक सीमित नहीं कर रखा है दादू साहब ने, कि दादू साहब को फिर वहाँ मिले थे सांबर में जाके जब वो मरण को तैयार हो गए थे, भगवान जिया नहीं जाता तेरे बिना ही, आपके बिना भी जेल नहीं लग रहे संसार में, या तो दर्शन दो ना आपका दास चला, उसी समय हाथों में ले लिया परमात्मा ने और फिर डिटेल बताई, फिर दादू साहब ने गुणगाय हुआ, फिर इनका समझ में आई नहीं कि कबीर तो पहले हो लिया दादू बाद में हुआ, वो कहाँ है कबीर, कबीर कैसे मिल सकता है। तो उन ग्रंथ के लिखने वालों ने, दादू जी के ग्रंथ के लिखने वालों ने या वाणी तमालक नंत लिखवा दी, बाकी और वार्ता थी वह कति खत्म कर दी। इसलिए पूरा दादू पंथ ये मानने को स्वीकार नहीं कि कबीर जी कबीर परमेश्वर मिले थे दादू जी को, इस कंसेप्ट को क्लियर किया है आदरणीय गरीबदास साहब जी ने कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद नहीं पाया काशी माए कबीर। और यही समस्या सिख धर्म के अंदर है, वो नहीं इस बात को मानने को तैयार कि आदरणीय नानक साहिब जी के गुरु जी कबीर साहब थे काशी वाले, ये मानने को तैयार नहीं। वो क्या इतना तो मानते हैं कि बेई नदी से परमात्मा लेकर गए थे उनको सचखंड में, और तीन दिन में छोड़ दिया था, वापस भेजे थे, तीन दिन बाबा उनके साथ ही रहे नानक साहब। और नानक साहब की आपको दिखाई थी वो जन्म साखी में मर्दाना पूछ रहा कि परमात्मा आपको आपका गुरु कौन है, आप तो कहते हो कि मुझे पूरा गुरु मिला इसलिए सिद्धों की सट्टी फिट्टी गुम कर दी मैंने, आपके गुरु जी का क्या नाम था। नानक साहब कहते हैं उसका नाम था बाबा जिंदा, जिंदा बाबा नाम है उसका। और नानक साहब जी ने यहाँ तक कहा कि जिसका सौर्य पानी पवन सब पृथ्वियों को पर जिसका कंट्रोल है, सबका उत्पत्ति करता है, वो है वो जिंदा बाबा, और किसी को बाबा नहीं आखना, और बाबा दादा है नहीं, बाबा तो है सबका दादा, सबका उत्पत्ति करता, उसमें स्पष्ट लिखा है किसी और को बाबा नहीं आखना, एक ही बाबा बस। और उसका नाम है कबीर। अब थोड़ी सी झलक देंगे पुण्यात्मा, पहले नानक साहिब जी के इस कंसेप्ट को फिर क्लियर करते हैं, क्योंकि ये बहुत जटिल समस्या होगी जब तक हम ये नहीं समझ सकेंगे कि जिन महापुरुषों का कल्याण हुआ है उसका कौन माध्यम था, वो कल्याण करता है कौन। तो जब वो समझ में आ गया सचमुच यही है तो हम सारे पार हो जाएंगे, पूरा विश्व पार हो जाएगा जब जो समझ में आ गया ही इज गॉड और दिस इज द मेथड ऑफ वर्शिप, ये पूजा की विधि है, जो इन महापुरुषों ने भी यही जाप किया ये पार हो गए, तो हम भी मनुष्य उसी से हम भी पार हो जाएंगे। नौका है, नौका का स्वभाव समुद्र से पार करना, पर खेवट ठीक हो, उसको चलाने वाला ठीक हो, तो गुरु सतगुरु इसलिए आवश्यक है। और ये नाम नौका है सतनाम, ये देखिएगा जन्म साखी भाई बाला वाली, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी, ये है इसका प्रकाशक है ये डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये देखिएगा ई जन्म साखी आज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई वाले वाली। और इसके कौन है जन्म साखी,
श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते दसा पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये पुस्तकों वाली गली 8 नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। ये आप यहाँ देखिएगा, ये है साखी सिद्धानाल गोष्ठी। सिद्धानाल गोष्ठी ये एक चैप्टर है इसमें, और इसमें यहाँ से है 251 पृष्ठ पे साखी होर चली। अब यहाँ देखो, और ये है 252 पृष्ठ पे। यहाँ मर्दाने ने पूछा, फिर मर्दाना पूछिया, मर्दाना पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है? ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना, उसका नाम बाबा जिंदा आखदे हन। बाबा जिंदा आखदे हन, और सिख समाज कहता उनका कोई गुरु नहीं, नानक साहब कहते मुझे गुरु मिला और बाबा जिंदा के रूप में मिला। जहाँ तोड़ी जहाँ तक जल और पवन, ते उस दे पवन है उस दे हुक्म विच चलते हैं, अते अग्नि और मिट्टी होर एह भी उस दे आखे विच हैं। जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा उस ताही बाबा आखना चाहिए, होर ताही बाबा नहीं आखना, होर बाबा कोई है नहीं। ता मर्दाने किया कि गुरु जी असी भी तो तुहाडे नाल ही फिरदे हाँ, हाए तुसानू कद मिलिया है ता गुरु जी? गुरु नानक जी किया मर्दाना अजे तू असा थी नहीं आया से, हमारे पास नहीं आया था। जद असी मिलन गए से ता मर्दाने ने कहा जी जद कि कद गए सी गए से ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लगाई सी तब मर्दाना असी 3 दिन उसे पास रहे से। मर्दाना भाई बाला जानता है मर्दाना वो ऐसा गुरु है जो जिसकी सता ओह संपूर्ण जगत नु आसरा दे रही है। सर्वशक्तिमान सबका मालिक वो बाबा जिंदा परमात्मा आए थे, अते मर्दाना जिंदा उसनु कहंदे हन जो काल दे वस ना आवे, और काल उस दे वस हो सी ता मर्दाना किया जी उसका रंग किया है, अते उसका आसन किथे है? ता गुरु जी किया मर्दाना उसका रंग लाल है, पर उस लाली नाल कोई लाली मिलती नहीं, अते उस दे रोम सवरण यानी सोने दे रंग दे हन, पर उना दे नाल सोना भी दख नहीं देंदा। ते रसना थी बोलना भी नहीं, बोलता भी नहीं, अते रोम 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 थी मर्दाना एहो शब्द हो रहा है। गहर गंभीर गहर गंभीर ता मर्दाने किया धन सतगुरु जी तुसा बिना एह निशा यानी हमारी शंका असाढ़ी कौन करे? ता मर्दाने आखिया गुरु जी हुण समुद सुमेर ऊपर चले। अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि गुरु मिलना था उनको और उसका नाम बाबा जिंदा था, और फिर
आगे क्या बताया है, वो जिंदा महात्मा जो है वो सारी सृष्टि का मालिक है, उसके हुक्म में सब चलते हैं, उसका रंग बताया, उसके रोम बताए, तो वो नर आकार है, निराकार नहीं है। अब क्या बताया है, आगे क्या बताया है कि जैसे धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तिरही। और नानक साहिब जी को भी यही कहा था कि ये सतनाम अभी किसी को देना नहीं, ये समय ठीक नहीं है, ये काल के दूतों का हाथ लग जाएगा, प्यारी आत्मा इस सतनाम को गुप्त रखना। अब देखिएगा साक्षी आगे, साक्षी आप पहले ये क्लियर करते हैं कि नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा मिले थे, वो कबीर जी थे। एक समय नानक साहिब जी की गोष्ठी एक काजी के साथ हुई, तब उन्होंने बताया कि वो कबीर है ना, वो सबसे बड़ा भगवान है कबीर। ये देखिएगा, एक ये है जन्म साखी भाई वाले वाली, बहुत पुरानी है, एक सिख बच्चे ने हमें दी है ये, उसने बता दी इसमें सचमुच जो आप बताते हैं वो सारा कुछ है, उन्होंने निशान लगा रखे हैं, सारे प्रश्न नंबर लिख रखे हैं यहाँ पर, ये सब उन्हीं लिखे हुए हैं, और ये बहुत पुरानी हो चुकी है ये भाई बालने वाली, वो जीवन सिंह चतर सिंह से छपी है। तो इसके दिखाते हैं आपको प्रश्न नंबर 122 और 23 पे, ये 122 पृष्ठ है, ये है मुलाकात काजी रुकन दीन सूरा ना सूरा, ये साखी है। यहाँ जवाब नानक साह, जवाब नानक साह सूरा, नानक जी ने जवाब दिया किसको, यहाँ क्या बताया कि नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम कर ता ऊ होवे सवाब, खालक आदम सिरजिया, जिस खालक ने जिस परमात्मा ने तुम्हारा आदम उत्पन्न किया वो आलम बड़ा कबीर, ओए होए आलम बड़ा कबीर, आलम आलम माने परमात्मा, परवर दिगारे आलम, ये सुना करते परमात्मा की महिमा में, परवर दिगारे आलम तेरा ही है सहारा। तो यहाँ कहा है कि खालक आदम सिरजिया, जिस खालक ने खालिक माने परमात्मा ने तुम्हारा आदम उत्पन्न किया वो आलम बड़ा कबीर, वो परमात्मा सबसे बड़ा कबीर है, वो सबसे बड़ा है और वो कबीर है। बोलो सतगुरुदेव। फिर लिखा है सजदे करो खुदाई नू आलम बड़ा कबीर, सजदे करो खुदाई नू, वो है सबसे बड़ा खुदाई, उसकी महिमा नू जो सबसे बड़ा कबीर परमात्मा है। बोलो सतगुरुदेव। हरिदास आपको बार बार बताता रहा क्योंकि गरीबदास जी ने जो लिखा वो फाइनल है। नानक साहिब जी पहले राजा अम्बरीश थे, फिर राजा जनक हुए, फिर नानक जी हुए, और यही इनकी जन्म साखी में है। देखिएगा यही जो पुराने वाली है, ये 423 है, साफ दिखाई नहीं देता कटा हुआ है, कटी हुआ, ये 422 है, ये 423 है, और ये है साखी अजीते रणधावे दी, साखी अजीते रणधावे दी। यहाँ लिखा है कि सतगुरु गुरु मेहरबान त्रेता जनक बदे है,
त्रेता मतलब जनक बधे ही था और हरिचंद द्वापर और गुरु कुलजग नानक हुए। अब कलयुग में वही नानक हुए जो पहले त्रेता में, त्रेता मत ये कह रहे हैं राजा जनक थे और द्वापर में फिर वो राज हरिचंद बने। हरिचंद कोई वो भी हो सकता है लेकिन वो हरिचंद, हरिचंद राजा थे वो तो सतयुग में हुए थे, ये कोई और हरिचंद हो सकते हैं महान आत्मा कोई। और उसके बाद फिर वही आत्मा नानक कलयुग नानक देव, यहाँ फिर दोबारा सेकंड किया है कि त्रेते युग विच, त्रेता युग विच जनक विधेही होया और सिक्खी करोड़ी इक्कीस पैरी पड़े। कि ये वही राजा जनक के रूप में जब थे इनके बहुत से वो अनुयायी। अब उस प्रसंग पर आते हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी। परमात्मा ने कहा था कि ये सतनाम और ये सारनाम बच्चों अभी सार्वजनिक मत करना, नहीं तो ये अगर तुमने अपनी वाणी में कहीं तुमने किसी को नाम दान कर दिया तो फिर ये परंपरा पड़ जाएगी और काल के दूतों का यूं नाम हाथ लग जाएगा और वो अधिकारी होंगे नहीं और सब एक जैसे नाम का जाप करते पाएंगे तो हम कैसे भिन्नता बताएंगे, ये नकली है ये असली है। तो अब परमात्मा ने दया करी और नानक साहिब जी ने और अन्य महापुरुषों ने परमात्मा की आज्ञा का पालन करके किसी को भी भेद नहीं दिया। सतनाम का अश्वन जाप करके पार हो गए। अब देखिएगा ये है वो दूसरी नए वाली है, वो पुरानी थी, ये अभी आपको दिखाई थी, ये साखी जन्म साखी। जन्म साखी अज तक छपिया नाल सब तो वड्डी है भाई बाले वाली, ये पहले दिखाई थी आपको, बीच में वह दूसरी पुरानी दिखाई है वो उसमें से कुछ लिया। अब इसको फिर दिखाते हैं आपको, इससे आपने ये देखा कि नानक साहब जी कहते हैं कि मुझे बाबा जिंदा मिले थे 252 पृष्ठ पर सिद्धानाल गोष्ठी में कि मेरे गुरु जी का नाम मरदान ने पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिला सी उसका नाम की सी, ता गुरु नानक किया मरदाना उसका नाम बाबा जिंदा आखदे हन, और जिसके हुक्म सब पानी पौन है और उसी को बाबा आखना, किसी होर को बाबा नहीं आखना, और सबका दादा वही है। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।